जगह थाना क्षेत्र के दीवा गांव में बारात के परछावन के दौरान गांव के ही संगम यादव की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची जगह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोप था कि दूल्हे के मामा और उनके बेटे के साथ और बारातियों ने हत्या की है। बुधवार की शाम 7 बजे इंदर चौहान की बारात खजनी के उनवल में जा रही थी। परछावन में संगम भी शामिल था। इस दौरान दूल्हे इंदल के मामा और उनके बेटे तथा उन लोगों ने तिलक में हुए विवाद की रंजिश में संगम की पिटाई कर दी, जिसमें संगम बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जिसके संबंध में संगम के पिता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि कल रात में बारात में मारपीट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फोर्स को गाँव में तैनात किया गया है। जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, नहीं वहाँ तो वो हो रहा है, जो यहाँ हुई वहाँ तो जंगहा थाना क्षेत्र में एक गांव में कल रात में बारात में हुए झगड़े के दौरान गांव के ही एक युवक की मारपीट में मृत्यु हो गई, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को अलग किया। मृतक को अस्पताल भिजवाया, जहां कि उसे डेड घोषित किया गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी और पूरे प्रकरण में पुलिस तत्परता से कार्यवाही कर रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और वहां पर एहतियातन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसमें बाजा जो बारात है उसमें कुछ झगड़ा हुआ था, जो कि इसमें दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं और उसी बात को लेकर कल रात में दोनों पक्षों में कुछ मारपीट हुई, जिसमें डंडा लगने से संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु के सही कारणों का तस्दीक करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।